स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम इस पूरी थ्योरी का एक लास्ट पॉइंट uh, रह गया था जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था इसमें आपकी बुक वाले ने फिगर सिक्स पॉइंट टू टू ए और बी दोनों ड्रॉ की हैं इसमें आप देखें कि उसमें यहाँ पर उसने ऑक्सीजन और फ्लोरीन का केस बताया यहाँ पर बेरिलियम बोरॉन और नाइट्रोजन का केस बताया यहाँ पर आप देखें कि इसकी जो नाइट्रोजन वाला है ना उसकी तो हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी ना नाइट्रोजन वाले के, के केस में यानी इन तीनों के केस में देखें कि ये एनर्जी डिफरेंस जो टू एस टू एस ऑर्बिटल्स का है ये काफ़ी ज़्यादा है और ये एनर्जी डिफरेंस जो है टू एस टू एस ऑर्बिटल्स का काफ़ी कम है अच्छा अब इसमें हु क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर कि आप इस एरिया को देखें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का केस है ना इसमें पाई वाले दोनों जो हैं ये ऊपर हैं और सिग्मा 2px एक्स जो है ये नीचे है जबकि इस केस में पाई वाले दोनों नीचे हैं और सिग्मा 2px एक्स जो है ये ऊपर है अच्छा अब इसकी रीज़न क्या है ऐसा क्यों होता है ये तो एक नॉर्मल केस है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते कि ये नीचे क्यों है ये ऊपर क्यों है ये एक नॉर्मल केस है ये ऐसे ही होता है इस केस में थोड़ी अब नॉर्मलिटी आई है कि सिग्मा टू पी एक्स को नीचे होना चाहिए लेकिन ये ऊपर चला गया इसकी रीज़न उसने क्या एक्सप्लेन की है इसकी रीज़न उसने ये एक्सप्लेन की है कि जब इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है ना टू एस टू एस ऑर्बिटल का बेरीलीम के के केस में बोरॉन के केस में और नाइट्रोजन के केस में ये एनर्जी डिफरेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा होता है इस एनर्जी डिफरेंस के ज़्यादा होने की वजह से ये जो इसका सिग्मा स्टार टू एस ऑर्बिटल है ना ये इसके इस ऑर्बिटल्स के करीब आ जाता है। ये देखें इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस सिर्फ इतना सा है जबकि इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा है तो इसके दरमियान इंटरमिक्सिंग का चांस नहीं होता, इस यहां पर, इसका सिग्मा एस जो होता है या कर इंटरमिक्सिंग करके तो हाइब्रिडाइजेशन वाला कोई सीन बना देता है और हाइब्रिडाइजेशन वाला सीन जब होता है उस केस में सिगमा टू एस और सिग्मा नीचे रह जाते हैं जबकि सिगमा टूपी एक्स जो है ऊपर चला जाता है और सबसे ऊपर चला जाता है। जो हुई है। इसकी एनर्जी इसकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है इसकी एनर्जी कम हो जाती है ये नीचे रह जाता है और ये ऊपर चला जाता है इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना ये नॉर्मल एक दूसरे के साथ हाइब्रेडाइज करें लेकिन इस केस में ऐसा पॉसिबल होता है ठीक है जिसकी वजह से ऊपर चला जाता है और ये दोनों नीचे आ जाते हैं तो ये सिर्फ एनर्जी प्रोफाइल है उसने इन दोनों का एक दूसरे के साथ कंपेरिजन दिखाया हुआ कि वाला केस डिफरेंट है इसमें ये वाला केस डिफरेंट है ये तो नॉर्मल है ये क्यों इस तरह से है इस वजह से कि यहाँ पर अटोमिक ऑबिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो जाती है ये रीज़न उसने यहाँ पर बताई है उसने कहा है एक्चुअली द एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एस एंड टू पी अटोमिक ऑबिटल इस स्मॉल इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ये एनर्जी डिफरेंस ये वाला इन दोनों के दरमियान स्मॉल है यहां पर तो बहुत ज्यादा ना इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है ठीक है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इन दोनों ऑर्बिटल्स ये मिक्स करने के चांस होते हैं बेट डिजिशन ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल्स होने का चांस होता है एज द रिजल्ट ऑफ विच सिगमा टू एस एंड सिगमा स्टार टू एस मॉलिकुल ऑर्बिटल्स डू नॉट रिटेन देर प्योर एस करैक्टर वो प्योर एस करैक्टर में नहीं रहते इसी में लड़ली सिगमा टू पी एक्स एंड सिगमा स्टार टू पी एक्स मालिकुलर्बिटल डोंट हैव प्योर पी करैक्टर्स यानी ये जो एस ऑर्बिटल है ना ये वाले ये इनर्जी डिफ्रेंस कम होने की वजह से ये ना प्योर एस रहते हैं और ये और ये ना प्योर पी रहते हैं इंटरमिक्सिंग हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है दोनों के अंदर एस पी एस पी करेक्टर आ जाता है अच्छा फिर वो कहता है कि ऑल द फोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक्वायर एस पी करैक्टर दोनों के अंदर एस पी करैक्टर मिक्स हो जाता है वो ना प्योर ऐसा रहता है उसमें पी आ जाता है थोड़ा सा ना वो ना प्योर पी, पी रहता है उसमें ऐसा आ जाता है थोड़ा सा ड्यू टू तो दिस मिक्सिंग देयर एनर्जीज चेंज इन इन सच अ वे दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ टू एस एंड सिग्मा स्टार टू एस बिकम मोर स्टेबल एंड आर लोअर्ड इन एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज सिग्मा टू पी एंड सिग्मा स्टार टू पी एक्स बिकम्स लेस स्टेबल एंड आर रेज्ड एनर्जी यानी ये टू पी ऊपर क्यों गया है क्योंकि ये लेस स्टेबल हो गया इन दोनों को ज़्यादा स्टेबल कर दिया नीचे रहने दिया और ये जो है ये लेस स्टेबल रहे तो ये ऊपर चलेगी एनर्जी एनर्जी के लिहाज से जो जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतनी उसकी कम स्टेबिलिटी होगी ठीक है अच्छा उसके बाद कहते हैं सेंस ऑर्बिटल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन मिकसिंग सो इनर्जी ऑफ पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी रिमेन अनचेंज सिगमा टू पी एक्स इज रेज टू सच एन एक्सटेंड दैट इट बिकम हायर इनर्जी दैन द पाई बॉन्डिंग्स ठीक है एनी हा ऑक्सीजन एंड क्लोरीन डो नॉट डू सो द रीजन इज द हाई इनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एस ऑर्बिटल्स एंड टू पी ये देखें ये जिसने बताया ना फिफ्टीन पॉइंट फाइव नाइन एंड टू जीरो सेवन एट किलो जोल्स पर मोल ये इनर्जी डिफरेंस है इसके और इसके दरमियान ठीक है ऑक्सीजन के केस में कितना है फिफ्टीन नाइन फाइव और फ्लोरीन के केस में कितना है टू जीरो सेवन एट ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है ना मिक्सिंग के चांस ही नहीं है जबकि जो दूसरे हैं द वैल्यूज़ आर फाइव फिफ्टी फोर किलो जोल्स पर मोल फॉर बोरॉन एट फोटी सिक्स किलो जोल्स पर मोल फॉर कार्बन एंड एलेवन नाइन फाइव किलो जोल्स पर मोल फॉर नाइट्रोजन तो फिफ्टीन नाइन्टी फाइव टू थाउजेंड सेवन एट बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं जबकि ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू बहुत कम है इसी वजह से यहाँ पर इनर्जी डिफरेंस भी कम है जिसकी वजह से इंटरमिक्सिंग जो है वो पॉसिबल हो जाती है दीज एनर्जी डिफरेंसेज हैव बीन कैलकुलेटेड बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की वजह से हमने ये डिफरेंसेज कैलकुलेट किए हैं सिर्फ ये आपने याद रखना है इन दो के केस में ये नॉर्मल होगा जबकि इन दो के केस में इसमें सिग्मा टूपी एक्स जो है वो ऊपर चला जाता है पाई वाई और पाई एंड के ओके okay, गर्ल्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है लॉन्ग में भी आ सकता है आपने इस पूरी थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है जिस चीज की आप लोगों को समझ नहीं आई है वो आप मुझे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सकें अपना ख्याल रखिएगा गर्ल्स अल्लाह हाफिज